कश्मीर एक ऐसी जगह है जहां मुझे लगता है कि मैं रात को 2 बजे भी अकेले घूमूंगी, मैं इतनी सेफ हूँ कि वहां पर हर कोई अपनी फैमिली की तरह ट्रीट करता है। हालांकि बहुत सारे लोग नेगेटिविटी फैलाते हैं, पर सच्चाई ये नहीं है, सच्चाई कुछ और ही है कि वहां के लोग बहुत बहुत ज्यादा अच्छे हैं, सारे प्यार मोहब्बत अमन और शांति के साथ रहेंगे तो हम अपने लिए बहुत अच्छी दुनिया बसा सकते हैं। अदरवाइज नफरत फैलाने के लिए तो हर कोई आगे आता है, पर मेजॉरिटी आगे आए शांति कायम रखने के लिए तो मंजर कुछ अलग होगा। इससे बड़ी एग्जाम्पल क्या होगी कि मैं जम्मू की हूँ और मैं वहां से बिलोंग नहीं करती हूँ, उस कम्युनिटी की भी नहीं हूँ, पर अगर उन्होंने मेरे लिए इतना एक्सेप्टेंस दिखाया है तो आप देख सकते हैं कि उनका दिल कितना बड़ा है। असल कूर बोलते हैं, और कश्मीर मुझे बहुत अच्छा लगता है, उसको कहते हैं कश्मीर चुवारा रुत लगान, और मिचु नाम प्रियंका, ये सब उन्होंने मुझे सिखाया है। हर मुख बरतर जागे मगानो ये दाप हमते लागयो, हर मुख बरतर जागे मगानो नो अमन्ना चा निदीदा रुख चुमोयुं बर्जले बुंबरो। कश्मीर की अगर मैं बात करूं तो कश्मीर से प्यार मिलता है, इसमें कोई दोराह नहीं है, पर कश्मीर से मुझे ऐसा लगता है कि मेरा सोल कनेक्शन है, क्योंकि जब मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी तो जम्मू कश्मीर दोनों से ही की थी, पर जितना एक्सेप्टेंस, जितना प्यार, जितना रिस्पेक्ट कश्मीर से मिला, मुझे लगता है कि मैंने सपने में भी नहीं सोचा था, और अभी मैं बहुत ब्लेस्ड और बहुत लकी फील करती हूँ कि वहाँ के लोग मुझे इतना प्यार करते हैं, अपनी बहन मानते हैं, बेटी मानते हैं, और हालांकि ऐसा हर किसी को नहीं ऐसा मिलता है, पर मैं अपने आप को बड़ा खुश नसीब इस हवाले से महसूस करती हूँ। बहुत से लोगों को ये लगता है कि आप जम्मू के नहीं है, कश्मीर से हो आप बेसिकली। हाँ राइट, ऐसा लगता है, क्योंकि जो कनेक्शन है वो हर कोई फील कर पाता है, कश्मीर के लोग मेरे लिए फील कर पाते हैं, मैं उनके लिए फील कर पाती हूँ, तो जो हम दोनों के बीच में ये प्यार है तो उससे बहुत सारे लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि शायद ये कश्मीर की है, ये जम्मू की नहीं है। तो क्या कश्मीर के लोगों के लिए अगर आप कुछ कहना चाहोगे तो क्या कहोगे आप? कश्मीर के लोगों के लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि जैसे कश्मीर के लोगों के लिए बहुत ऐसे लोग हैं जो नेगेटिविटी फैलाते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि कश्मीर एक ऐसी जगह है जहां मुझे लगता है कि मैं रात को 2 बजे भी अकेले घूमूंगी, मैं इतनी सेफ हूँ कि वहां पर हर कोई अपनी फैमिली की तरह ट्रीट करता है। हालांकि बहुत सारे लोग नेगेटिविटी फैलाते हैं, पर सच्चाई ये नहीं है, सच्चाई कुछ और ही है कि वहां के लोग बहुत बहुत ज्यादा अच्छे हैं। और इससे बड़ी एग्जाम्पल क्या होगी कि मैं जम्मू की हूँ और मैं वहां से बिलोंग नहीं करती हूँ, उस कम्युनिटी की भी नहीं हूँ, पर अगर उन्होंने मेरे लिए इतना एक्सेप्टेंस दिखाया है तो आप देख सकते हैं कि उनका दिल कितना बड़ा है, कितना ब्रॉड माइंडेड वो है कि अगर वो मेरे लिए इतना एक्सेप्टेंस दिखा सकते हैं तो इट ओनली मीन्स कि उनको सिर्फ प्यार चाहिए, सिर्फ चाहिए कि उनको कोई समझे, बाकी उनको किसी और चीज से कोई भी लेना देना नहीं है, उतने वो कन्फाइंड नहीं है जितना दिखाया जाता है। जैसे कि बहुत से लोग हैं कश्मीर के, चाहे बच्चों की बात करें या बूढ़ों की बात करें, कोई भी हो वो कनेक्ट जो है आपके साथ फोनिकली जो है वो कनेक्ट रहता है, कुछ भी अपडेट होती है तो सबसे पहले जो है प्रियंका उनके साथ। हाँ वो जो कश्मीर के बच्चे बोलते हैं हाँ प्रियंका दीदी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है या प्रियंका दीदी से बात करनी है, हमें बहुत शौक है, तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे अपनी फैमिली से भी इतना प्यार मिला है जितना उधर से मिला है। लाइक इतना अच्छा लगता है कि छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग या किसी भी एज कैटेगरी के लोग हो, वो इतना ज्यादा जो प्यार दिखाते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तभी मुझे लगता है कि जब तक मैं हूँ इस दुनिया में सिर्फ मैं उनको सर्व करूँ, उनके लिए काम करूँ, ताकि उनकी जो परेशानियां है वो दूर भी कर सकूँ। कश्मीर से आपको इतना प्यार भी मिलता है सब चीजें, क्या कुछ कश्मीरी में आपने सीखा, आप कुछ कश्मीरी जानते हैं या कोई कश्मीरी गाना अगर आप सुनाए तो क्या सुनाएंगे? हाँ कुछ कश्मीर की बच्ची एक मेरे से यहाँ से मिलने आई थी साहिबा, उसने मुझे 2-3 लाइंस सिखाई हैं। एक तो मुझे आता है कि कोई लड़की बहुत ही अच्छी लगती है उसको असल कूर बोलते हैं, और कश्मीर मुझे बहुत अच्छा लगता है, उसको कहते हैं कश्मीर चुवारा रुत लगान, और मिचु नाम प्रियंका, ये सब उन्होंने मुझे सिखाया है। हालांकि मैं कोशिश कर रही हूँ थोड़ी थोड़ी कश्मीरी सीखने की, और साथ ही गाना अगर मैं बात करूं तो गाना भी आता है, मुझे बहुत सारे गाने
आते हैं तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको सुनाऊं, अगर कुछ गलती हो जाए तो मुझे माफ करना क्योंकि मुझे आती नहीं, ऐसे मैं सीख रही हूँ। तो दो तीन गाने मुझे जो आते हैं वो ऐसे हैं, हर मुख बरतर जागे मदानो ये दाप हमते लागयो, हर मुख बरतर जागे मदानो, या है तमन्ना चा निदीदा रुख चुमो युम्बर जले बुम्बरो, और हाँ एक दो और आते थे, अभी मुझे याद नहीं आ रहे हैं एक दो आते थे, पर हाँ मुझे कश्मीरी बहुत स्वीट लैंग्वेज लगती है। मुझे ऐसा लगता है कि जितना ज्यादा मैं उनके कल्चर को जानूं, जितना ज्यादा मैं उसे ऑप्ट कर सकूं, मुझे अच्छा भी लगता है। फेरन डालना मुझे बहुत अच्छा लगता है, कश्मीरी गाने सुनना, म्यूजिक सुनना बहुत अच्छा लगता है, और स्पेशली 24 घंटे उनके बीच में रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये मुझे लाइफ का एक बहुत बड़ा मोटिवेशन। मैसेज क्या देंगे आप जम्मू कश्मीर के लोगों को आपस में रहने का, जिस तरह से आपको एक दूसरे से प्यार मिल रहा है, चाहते हैं कि सब लोग इसी तरह रहे, एक मैसेज क्या होगा छोटा सा आपका सभी लोगों के लिए? बस मैसेज मेरा यही रहेगा सबके लिए, जम्मू और कश्मीर के आवाम के लिए, कि अगर हम बहुत ही भाईचारे, प्यार मोहब्बत, अमन और शांति के साथ रहेंगे तो हम अपने लिए बहुत अच्छी दुनिया बसा सकते हैं। अदरवाइज नफरत फैलाने के लिए तो हर कोई आगे आता है, पर मेजॉरिटी आगे आए शांति कायम रखने के लिए, तो मंजर कुछ अलग होगा।